अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमने मसल्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने पढ़ा था स्केलेटल मसल्स जो कि रिलेटेड टू हमारे स्केलेटन होते हैं और मूवमेंट में हेल्प करते हैं। आज हम देखेंगे कि वो किस तरह से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं। तो सबसे पहले है स्केलेटल मसल फाइबर, कि वो मसल्स के अंदर वो किस चीज से बना हुआ होता है। मसल्स के अंदर बंडल्स ऑफ जो है वो फाइबर्स होती हैं, जिनको मसल फाइबर या मसल फाइबर सेल का नाम दिया जाता है। तो दिस इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल विद मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई। वो पीछे हमने जब देखी थी डायग्राम, तो उसमें आप देख सकते थे कि वो स्ट्रैंड से हैं, फाइबर से हैं। वो फाइबर्स असल में स्केलेटल मसल फाइबर होती हैं, जो मिल के पूरा मसल बना रहे होते हैं। और सिलेंड्रिकल सेल विद द मल्टीपल ओवल न्यूक्लियाई अरेंज जस्ट बीनीथ इट्स सार्कोलीमा। सार्कोलीमा जैसे सेल की मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। तो सार्कोलीमा स्पेशली स्केलेटन से रिलेटेड है, मसल से, तो उसको सार्कोलीमा कहते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को। तो ये दिस आर ह्यूज सेल, देयर डायमीटर इज अबाउट 10 to 100 नैनोमीटर, मीन इतना डायमीटर होता है। और जिस तरह वो मेम्ब्रेन को सार्कोलीमा कहते हैं, इसके जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको साइटोप्लाज्म से रिलेटेड जो मिलता जुलता फ्लूइड पोर्शन होता है उसको सार्कोप्लाज्म कहते हैं, विच इज रिलेटेड टू या सिमिलर टू साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल बट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर ग्लाइकोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्डिंग प्रोटीन मायोग्लोबिन अ रेड पिगमेंट दैट स्टोर ऑक्सीजन, मीन हीमोग्लोबिन जैसा मिलता जुलता है, इनके अंदर वो होता है पिगमेंट जिसको कहते हैं मायोग्लोबिन। जब इसको ज्यादा मैग्निफिकेशन के नीचे देखा जाए तो मसल फाइबर सीम टू कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल, मीन फाइबर को अगर मजीद जूम किया जाए तो उसके अंदर मजीद मायोफिब्रिल्स होती हैं, जो कि 1 to 2 मिलीमीटर इन डायमीटर होती हैं, जो कि पैरेलल फैशन में वो भी लंबाई के रूप होती हैं पूरी लेंथ ऑफ सेल में। बंडल्स ऑफ दीज फाइबर आर एनक्लोज्ड बाय मसल सेल मेम्ब्रेन ऑफ सार्कोलीमा। मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कॉल्ड सार्कोमियर, मीन जो उसका कॉन्ट्रैक्ट करने वाला पार्ट होता है या एक पार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं सार्कोमियर। तो सार्कोमियर में क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें लाइट और डार्क बैंड्स होते हैं पूरी मायोफिब्रिल के अलॉन्ग। डार्क बैंड को ए बैंड कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक से रिलेटेड है। इट कैन पोलराइज विजिबल लाइट, पोलराइज का मतलब है कि उसको उसके कंपोनेंट्स में कर देता है, विजिबल लाइट व्हाइट कलर की होती है तो उसको उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं लाइट के। तो लाइटर बैंड को आई बैंड कहते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड है जो नॉन पोलराइजिंग होता है। इट गिव द सेल एज अ होल इट्स स्ट्राइप्ड अपीयरेंस, मीन वो लाइट और डार्क बैंड की वजह से वो जो स्ट्राइप्स बनती हैं वो इन लाइट और डार्क बैंड की वजह से होती है। ईच ए बैंड हैज अ लाइटर स्ट्रिप इन इट्स मिड सेक्शन कॉल्ड एच जोन, मीन ए बैंड के दरमियान में ए बैंड के अंदर एक लाइट स्ट्राइप होती है जिसको एच जोन कहते हैं। एच जो है वो हेले से है जिसका मतलब है ब्राइट। ए बैंड खुद डार्क होता है तो उसके अंदर ब्राइट जोन होता है और उस जोन के अंदर मजीद फिर एक डार्क लाइन होती है जिसको एम लाइन कहते हैं। आई बैंड के अंदर लाइन होती है जिसको जी लाइन कहते हैं, ज्विश कहते हैं, जी फॉर ज्विश। तो सार्कोमेयर रीजन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी लाइन्स। इट इज द स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। द मायोफाइबर कंटेन मायोफिलामेंट, मीन उससे आगे फिर मजीद अगर उसको मैग्नीफाई किया जाए तो उसके अंदर मायोफिलामेंट होती है। मायोफिलामेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसमें थिक और थिन फिलामेंट्स होती हैं। द सेंट्रल थिक फिलामेंट एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ ए बैंड, द थिन फिलामेंट एक्सटेंड अक्रॉस द आई बैंड एंड पार्टली इन टू ए बैंड। थिक फिलामेंट 16 नैनोमीटर इन डायमीटर होती है और इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। मायोसिन इज मॉलिक्यूल हैज अ टेल टर्मिनेटिंग इनटू टू ग्लोबुलर हेड। मायोसिन टेल कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, मीन क्या होता है उसकी जो टेल है वो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो एक दूसरे के क्वाइल हुई होती है और एंड पे एक हेड होता है जिसको क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं। एंड दिस इज द पॉइंट वेयर द थिन फिलामेंट अटैच विद थिक फिलामेंट ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन। थिन फिलामेंट की बात की जाए तो दीज आर 7 to 8 नैनोमीटर थिक एंड कंपोज्ड ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल।
एक्टिन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन टू चेन ट्विस्ट अराउंड ईच अदर लाइक अ ट्विस्टेड डबल स्ट्रैंड ऑफ पर्ल, पर्ल्स की तरह के ही एक्टिन, वो जो है वो मायोसिन से बनी हुई थी, थिक फिलामेंट थिन में एक्टिन मॉलिक्यूल होते हैं, और एक्टिन चेन के अलावा इसके ऊपर जो है वो ट्रोपोमायोसिन के भी स्ट्रैंड होते हैं टू, और फिर थर्ड स्ट्रैंड में इसमें ट्रोपोनिन होता है, थ्री पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होता है, वन बाइंड टू एक्टिन, अदर बाइंड टू ट्रोपोमायोसिन, वेल थर्ड बाइंड टू कैल्शियम आयन, ये ट्रोपोनिन की बात हो रही है। तो मायोसिन फिलामेंट सराउंडेड बाय सिक्स एक्टिन फिलामेंट ऑन ईच एंड, मायोसिन थिक का पार्ट है और एक्टिन जो है वो थिन का। तो यहाँ अगर हम सारा इसमें देखें, इसमें ओवरऑल सारा दिखाया गया है, मसल है, मसल के अंदर फाइबर है, उसके अंदर मायोफिब्रिल है, उसका आप देख सकते हैं न्यूक्लियस, कैल्शियम स्टोरेज सैक, सारा ये आगे हम पढ़ेंगे तो वो आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर, उसका कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट अगर सारकोमेयर देखा जाए तो आप देख सकते हैं ये ग्रे और व्हाइट सी लाइंस हैं जो बैंड्स हैं, तो लाइट बैंड और डार्क बैंड उसमें आप देख सकते हैं, और कि किस तरीके से वो अरेंज हुए होते हैं, जी लाइन है तो वो किस तरह एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे और वो कॉन्ट्रेक्शन होगी थिक और थिन फिलामेंट की। यहाँ उन्होंने शो किया हुआ है रेड से कलर से थिक फिलामेंट और ग्रेइश कलर से जो है वो थिन फिलामेंट, तो ये क्रॉस ब्रिजेस होती हैं जिनकी मदद से अटैचमेंट होती है और एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड करके एंड पे आप देखें तो इस तरीके से जब कॉन्ट्रेक्शन होती है तो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैपिंग कर जाते हैं, फिर जब रिलैक्सेशन होनी होती है तो दोबारा ये ओवरलैपिंग खत्म होती है। स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल है, तो व्हेन मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स द थिन एंड थिक फिलामेंट अंडरगो शिफ्टिंग, आई बैर रिड्यूसेस, अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया है कि उसमें क्या होता है कि आई बैंड जो है वो रिड्यूस हो जाता है, जी लाइंस क्लोज आती हैं जिससे जो है वो क्या एक दूसरे के ऊपर अटैचमेंट होती है, स्लाइडिंग होती है। हेजले ए एफ हेजले एंड देयर कलीग्स सजेस्टेड हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था जिसको कहते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन, इसमें क्या है थिन फिलामेंट स्लाइड पास टू थिक फिलामेंट एंड ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, जी लाइन ब्रॉड क्लोजर, आई बैंड शॉर्टर, एच जोन डिसअपीयर, ये इसके पॉइंट्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल का। तो कॉन्ट्रेक्शन इन दिस प्रोसेस द क्रॉस ब्रिजेस ऑफ थिक फिलामेंट बिकम अटैच टू बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिव फिलामेंट, द क्रॉस ब्रिजेस दैन कॉन्ट्रैक्ट टू पुल एक्टिव फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सार्कोमेयर, तो इस तरीके से इनकी जो है वो अटैचमेंट होती है।